मैं अब एक खास व्यक्तित्व के साथ में जो बात करने जा रहा हूँ वो है चौधरी किशन सिंह सांगवान के अर्धांगने और एक जो प्रदीप सांगवान की जो है माता श्री उनके साथ में बात करते हैं। आपका पूरा नाम बताओ जी। रोशनी सांगवान। रोशनी जी, आपने तो बड़ा रोशनाई दी है, हैं तीन तीन बार जो ना मतलब कि दीपक के अंदर इतना वो डाला गया, तीन तीन बार सांगवान जी को आपने लोकसभा केंद्र भेज दिया। ये बताओ उनके साथ आपने जीवन का सफर जो शादी कब हुई? मेरी शादी हुई 1971 में। 71 के अंदर, 71 की लड़ाई चल रही थी, इधर आपने जीवन का संग्राम शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, बात तो ठीक है, है? अच्छा ये बताओ कभी आपको वो गुब्बारे वगैरह के भी लेकर गए सर, राजनीति करते रहे? खूब घूमी मैं तो, खूब घूमी। अच्छा ये उनकी देखे जो बालक मजाक उठाना है, बोले यार दादी है ना, बोले आज भी ऐसी है। अच्छा ये बताओ कि आपको जिंदगी के अंदर उनके साथ में वो राजनीति में रहे, आपके पास में इतने आदमी आते थे, मैं कई बार आप लोगों के वहां पर आया तो होका तो सामने धरे रहते, एक कदे होका भी भरना पड़ जाता है, चाय पानी बिना तो कदे जान नहीं देते थे। कोने के ऊपर दुकान एक जो आजकल बड़ा ऑफिस बना दिया, मैं वहां पर आया था तो चौधरी साहब के साथ में तो जब बैठा था तो उस टाइम तो आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन आज मिले पता कमाल की बात है, जोड़ी तो मिलता था अच्छा रहता और बढ़िया रहता, बढ़िया रहता। अच्छा ये उनकी जिंदगी के साथ में आपका जो सफर है कैसा? मेरा जीवन बहुत अच्छा बीता उनके साथ। अच्छा बहुत ही अच्छा, उनकी जो है ना तारीफ इतनी होती है चारों तरफ से, बहुत अच्छा बीता। उनने बाहर के काम किए, मैंने अपने घर के किए, मैं रसोई से बाहर नहीं आई, अब निकले। अच्छा आपका बेटा भी राजनीति में आ गया? मेरा बेटा उनसे बढ़िया निकले। अच्छा उनसे भी बढ़िया निकले, बढ़िया। तो ये जो प्रदीप को ऐसा वो क्या गुरु मंत्र दे गए कि लोगों के दिलों के ऊपर वो छाते चले गए? संस्कार है। अच्छा ये संस्कार है, ये संस्कार है। तो हमारे को ये बताओ कि आज के नौजवानों के लिए आप दो तीन ऐसी बातें बताओ जिससे उन बालकों का भी जीवन समझ जाए, भाई नशा पत्ता है या पढ़ाई लिखाई है, कुछ उनको भी बता दो। आपका संदेश सुनकर है शायद जो लोगों का कुछ भला हो गया। बच्चों अच्छे तरह अपने पढ़ो, नशा पत्ता छोड़ो, पढ़ोगे तो आगे नौकरी मिलेगी। देखो अब बीजेपी में कितने बच्चे लग रहे हैं पढ़ाई के, बिना खर्चे बिना बगैर पढ़ाई तो कुछ नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ वकील साहब थे, हाँ वो भी शुरू में मेरी शादी हुई जो प्रोफेसर थे। अच्छा वो प्रोफेसर थे, ठीक है, जाट कॉलेज में। तो प्रोफेसर तो वकील बना दिया अगर आप, फिर वकील साथ साथ पढ़ाई पढ़ाया वकालत करी जी, बहुत सुंदर। फिर राजनीति में आए। अच्छा ये लगातार एक बार बन गया आदमी, ठीक है दो बार बन गया, लोग तो लगातार तीन बार बने, न तो पीछे नहीं छोड़ा। फिर लोग इतना प्यार करते थे। अच्छा, लोग ज्यादा प्यार करते थे, और अभी सारे लोग वही है जो पुराने वाले मिलते हैं, रोते हैं बेचारे, याद तो करते हैं। मैं जो ना कुछ एक बुजुर्गों से बात कर रहा था, मैं इनसे मिली है, मैंने रोती मिली, फोटो दिखा के ये सांगवान साहब का फोटो सामने लेके आओ, उनको जरा बात करेंगे। आप आ जाओ, मुश्किल से चुप की है। नाम क्या आपका? कोई बात नहीं, बिमला। हाँ बिमला की आंखों के अंदर जो है ये जो आंसू है ये उनके जो है एक मार्मिक दृश्य है, मतलब इतना दर्द है, इतनी मोहब्बत है, इतना स्नेह है अपने पूर्वजों के प्रति कि वो रह रह करके उनको याद करती है, और आप आ गए तो इनका दिल भरा है। ऐसे परिवारों से मिलकर के आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अपनी बहनों को जो ये घर में जो ना सास बहू के झगड़े हुए हैं, हरे घर में भी हो गए? ना हमारे में बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता तो हो रहा नहीं तो बता दे कम तो हो रहा अगर बस जा। नहीं होंगे, समझ जाएंगे, अब समझ जाएंगे क्या करना चाहिए, ना क्या करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए सबने, अब अपने बोल्ड होना चाहिए, सासू ने बहू ने जो जिसका काम है करो, एक दूसरे पर प्रेशर क्यों डाले, जो बहू करना चाहो बहू करो, सास करना चाहो सास करो। अच्छा बात यह है ये त्रिसासु इतनी जो ना बात बता रही है कितना सही है, बिल्कुल ठीक है, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। अच्छा सास के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं नहीं, ऐसे कोई छोटी मोटी बात है अलग बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये जो है ना ये महिला शक्ति जो ने यहाँ पर खड़ी हुई है और जो है बहुत अच्छा, खैर आप लोगों ने बातचीत करी है, जरा इनसे बातचीत कर ले। आपका शुभ नाम क्या जी? मेरा नाम सावित्री मलिक है, सावित्री, सत्यवान सावित्री। अच्छा जी मलिक साहब ये बताओ मतलब ठीक है, चल तो कोई बात ना, नहीं
ये मुझे गर्व होता है अपने नाम पे, और मेरे पति का नाम है दीवान सिंह मलिक। अच्छा, वो सच में सत्यवान है मेरे। अच्छा, वो आपके दीवान है, ठीक। और मैं इन बातों से हटके मैं अपने जो हमारे सांगवान साहब है, अच्छा, उनके बारे में बहुत बार। अच्छा, ये मेरी मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट और सबसे मेरी क्लोज है। हम 10 बार दुश्मन है या क्या? ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अच्छा। प्यारा दुश्मन। अच्छा, प्यारा दुश्मन है। हाँ, और सांगवान साहब के बारे में बात कहूंगे, हाथ जोड़ के इन भाई से प्रार्थना करती हूँ। जब सांगवान साहब शिक्षा मंत्री थे उस टाइम से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। और मैंने एक बार एक बात कही थी और उन्होंने आज तक मेरी वह हर बात मानी। ये बात कही थी हमने, बता दो। वो मेरी एक भाभी थी, उसकी बदली कराई थी इंटर डिस्ट्रिक्ट, वो पारी थी। अच्छा। और सिर्फ इनको एक बार बोला था और इनके आप घर बैठो मैं करा के लाऊंगी। अच्छा। ये करा के लाई और सांगवान साहब ने जो काम करे हल्के में, वो हम उनके इतने आभारी हैं। अगर हम कई जन्म भी ले लेना है तो भारत तो उनका कर्जा ना उतरे। अच्छा, शास्त्री कितने साल पुरानी बात है यार? ये आप लगा लो के मैं इनसे 30-35 साल जुड़ी हुई, मतलब लगभग 35 साल पुराना जो संबंध है। और जो ना ये इतनी पुरानी यादें जो ताजा हो जाना, एक बड़ी बात है, बहुत खास बात है। आपका नाम बताओ जी। मेरा ओमपति जी। ओमपति, उम्र बोलना। उम्र वैसे पूछ रही है। 70 साल हो गए जी। अच्छा, जो धन्यवाद, आपने उम्र बताई। पर बच्चे कभी हो रही और ताजा कदम उम्र ना पूछनी थी, बता दीजिए। अच्छा, बता दी। अच्छा, 70 साल की। अच्छा, ये बताओ जी, जो ना सांगवान के परिवार के साथ आपका जो है मिलन, सॉरी, कब तक की है? मैं तो बचपन से है जिनका शुरू। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अरे ये मतलब बहुत लायक है और बहुत सहनशीलता, और जो मैं भी नौकरी करूँ थी मेरी भी। अच्छा, नौकरी करूँ थी। हाँ जी, मेरी भी कुरुक्षेत्र से सोनीपत में ले आई थी जी। अच्छा, कुरुक्षेत्र में मेरी बदली नहीं हुई थी। हाँ, मैं पीछे भी दिए थे 5,000, जब भी नहीं हुई। अरे नए कुछ नहीं लिया और बदली मिनटों में करवाई। ये देखिए जाते हैं किस प्रकार, बहुत प्यारा लगता है। मैं भी फील्ड में जॉब था मेरा, और मैं इस एरिया से 36 साल जुड़ रही। मैं एडीसी ऑफिस में थी ग्राम सेवक पे, और जो भी गांव के कार्य होया करते वो मैं गोहाना से बिलोंग है, प्रॉपर गोहाने से। फरमाना है, मैं माला थी बहू, लेकिन मैं माला फरमाना, मैं माला। और मैं एडीसी ऑफिस सोनीपत में थी, गोहाना कथूरा और मुटलाना मेरे पास था। चलिए जी, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद।